हेलो बॉलीवुड टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। दिस इज मी तरुण और आप देख रहे हैं एक शानदार चैनल जहां पर बहुत सारी बातें फिल्मों से जुड़ी होती है और मैं बॉलीवुड का रहने वाला हूं, बॉलीवुड की बात सुनाता हूं। नाम तरुण, अभिनेता हूं, लेकिन साथ साथ आपके लिए अभिनय और अभिनेताओं और निर्माता निर्देशकों की कुछ बातें लेकर आता हूँ। तो आज एक फिल्म के बारे में बात करते हैं जो कि मनोज कुमार साहब की सुपर डुपर हिट फिल्म है। उसमें सिर्फ मनोज कुमार ही थे, मतलब ऐसा नहीं और भी कलाकार थे, पर मनोज कुमार क्यों? क्योंकि निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे, अभिनेता भी थे, फिल्म को लिखा भी था और फिल्म को एडिट भी किया था। सब कुछ सिर्फ मनोज कुमार। और इनके साथ बहुत सारे कलाकार रहे, बाद कुछ तो ऐसे थे जो बहुत छोटे रहे उस वक्त, लेकिन बाद में बड़े सुपर डुपर हिट कलाकार रहे जैसे अमिताभ बच्चन और साथ में मौसमी चैटर्जी, जीनत अमान, शशि कपूर, प्रेम नाथ, इन सभी के साथ मनोज कुमार। और जानी मानी फिल्म ये रही और इसमें आम आदमी की बातों का ख्याल रखा गया, रोटी कपड़ा और मकान का। 1974 की फिल्म, सुपर डुपर हिट फिल्म, लेकिन इससे जुड़े बहुत से किस्से हैं जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे, कहीं नहीं जाने होंगे। लेकिन आपको उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर नहीं किया है तो, और ये आपको पसंद आएगा या आएगा सीरियसली, तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि कोई बुराई नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता। और वीडियो को बाद में लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो। तो चलिए आइए चलते हैं और जानते हैं इस जानी मानी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के अनसुने किस्से। इस फिल्म के बारे में मनोज कुमार ने कहा था कि जब वो 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे तब उनके एक सीनियर स्टूडेंट का नाम था दीवान और उसने स्कूल के फंक्शन में एक गाना गाया था जिसके बोल थे, मांग रहा हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। उसी वक्त से रोटी कपड़ा और मकान वाली ये बात इनके दिलो दिमाग में घर कर गई थी। और जब ये निर्माता निर्देशक बने तो 8वीं क्लास के दौरान जो गीत इन्होंने अपने दोस्त दीवान से सुना था वही इनकी फिल्म का एक मुख्य आधार बना और वो था रोटी कपड़ा और मकान। साथ ही इस फिल्म को बनाने में एक ख़बर का भी अहम रोल रहा। मनोज कुमार ने कहा था कि 1972 में अखबार में खबर छपी थी कि एक युवा ने ग्रेजुएट होते ही जैसे उसे डिग्री मिली तो वाइस चांसलर के सामने उसने उस डिग्री को फाड़ दिया था। और इसी बात ने मनोज कुमार को डिग्री और जॉब के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। और ऐसा ही एक सीन रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में भी नज़र आया, जब फिल्म में मनोज कुमार गुस्से में अपनी डिग्री आग के हवाले कर देते हैं। ये डिग्री कर्ज है मुझ पे आपका, मैं ना तो इसे चुका पाया और ना ही चुका पाऊंगा। इस फिल्म से जुड़ी कई अनसुनी बातें हैं। ये ऐसी पहली फिल्म बनी जिसमें अमिताभ बच्चन ने मनोज कुमार के निर्देशन में काम किया और इनके साथ थे प्रेम नाथ। किस किस को देखिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। खास बात यहाँ ये भी रही कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में तो नजर आए पर ज्यादा देर के लिए नजर नहीं आए थे। फर्स्ट हाफ के 3 सीन को छोड़ दें तो आगे फिल्म में आखिर में नजर आते हैं अमिताभ बच्चन। भैया मुझे, और इसी बात पर फिल्म के बारे में जया बच्चन ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन का सही से इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्हें फिल्म में स्क्रीन टाइम और मिलना चाहिए था। जया बच्चन के इस बयान पर मनोज कुमार ने कहा था, मुझे ताज्जुब है कि एक बेहतरीन अदाकारा परफॉर्मेंस से ज़्यादा फुटेज को प्राथमिकता दे रही है। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन ने कुछ ही फिल्मों में कॉलेज बॉय की भूमिका निभाई थी, जिनमें से एक तो रोटी कपड़ा और मकान थी और दूसरी फिल्म कभी कभी में भी इन्होंने कॉलेज बॉय की भूमिका निभाई थी। मुझे क्यों चिंता होगी 111, जबकि हमारी पढ़ाई की चिंता हमारा पढ़ा लिखा बेकार भाई करता है। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से जुड़ी अगली बात ये कि जीनत अमान और अमिताभ बच्चन की ये पहली फिल्म थी जिसमें दोनों ने एक साथ काम किया। हालांकि इस फिल्म में ये दोनों नायक नायिका के रूप में एक साथ नहीं थे। भारत कहाँ है? कश्मीर से कन्याकुमारी। अगली बात ये रही कि मनोज कुमार ने
शर्मिला टैगोर को ये फिल्म ऑफर की थी, लेकिन उन्हें रोल पसंद नहीं आया था, और उसकी वजह थी एक छोटी सी गलतफहमी। हुआ ये कि मनोज कुमार की असिस्टेंट ने शर्मिला टैगोर को गलत रोल सुना दिया, और ये सुनकर शर्मिला टैगोर नाराज़ हो गई और उन्होंने इस फिल्म में रोल नहीं किया। हालांकि मनोज कुमार ने तो शर्मिला टैगोर को वही रोल ऑफर करना था जो कि शर्मिला टैगोर को खुद पसंद आया था, पर यहाँ असिस्टेंट की गलती ने इस फिल्म से शर्मिला टैगोर को नाराज़ कर दिया। और अगली बात इस गीत की है जिसके बोल थे हाय हाय ये मजबूरी। ये रोल तो लिखा गया था फिल्म में अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के लिए और उन्हीं पर फिल्माया जाना था, पर उस वक्त मौसमी चटर्जी प्रेग्नेंट थी और ये गाना उन पर फिल्माया नहीं जा पाया। इसी वजह से ये गीत तो फिल्म में रहा लेकिन जीनत अमान पर फिल्माया गया और ये जीनत अमान का एक यादगार गीत साबित हुआ। जीनत अमान के रोल को पहले स्मिता पाटिल को सुनाया गया था। उस वक्त तक स्मिता पाटिल फिल्मों से बहुत दूर थीं। मनोज कुमार ने उन्हें ये रोल ऑफर किया था लेकिन स्मिता पाटिल ने फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था। अगली बात फिल्म के कुछ सीन से, जहां पर रेप सीन फिल्माए गए मौसमी चटर्जी के लिए। लाला मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मौसमी चटर्जी के ये रेप सीन फिल्माए जा रहे थे उस वक्त इनके बालों में बहुत आटा भर गया था और मौसमी को उन्हें साफ करने में बड़ी दिक्कत आई थी। वहीं मौसमी के मुंह में भी आटा चला गया था जिसके कारण इन सीन्स को फिल्माने के बाद उन्हें बहुत उल्टियां हुई थी क्योंकि उस वक्त मौसमी प्रेग्नेंट थी। मौसमी चटर्जी के प्रेग्नेंट होने के कारण मनोज कुमार को बहुत उनकी केयर करनी पड़ी थी, इस कारण मनोज कुमार खफा भी रहे थे। भारत, हाँ? अपने दिन कब बदलेंगे? जब नौकरी मिलेगी। मनोज कुमार का नाम इस फिल्म में भारत था। भारत नाम की इमेज अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए मनोज कुमार ने डिसाइड किया कि फिल्म में ये हीरो किसी भी एक्ट्रेस को हाथ नहीं लगाएगा, इसीलिए अपनी नायिका जीनत अमान को बिना टच किए इस फिल्म की शूटिंग की और आगे चलकर स्क्रीन इमेज भी उन्होंने ऐसी बनाई कि फिजिकल रोमांस में उनका कोई सीन नहीं होगा। एक सीन में जीनत अमान को मनोज कुमार ने कहा था कि डायलॉग बहुत लंबा है लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर आपको अपने आंसू टपकाने हैं और ऐसी ही एक्टिंग करनी है। उस वक्त जीनत अमान एक सुपर डुपर हिट हीरोइन थी, उनकी डेट्स मिलना बड़ी मुश्किल थी। मनोज कुमार के पास इस सीन के लिए 3 डेट्स इनके पास थी लेकिन इस सीन को फिल्माने में 17 दिन लग गए और जीनत अमान ने ऐसे में मनोज कुमार की हेल्प की और अपने दूसरे प्रोड्यूसर्स को एडजस्ट कर दिया। मैंने दौलत को प्यार से ज्यादा कीमती समझकर सपनों की ताजमहल को काला कर दिया। अगली बात स्टंट कोऑर्डिनेशन की है, तो वहां पर वीरू देवगन का नाम आता है। वीरू देवगन की ये डेब्यू फिल्म थी। वीरू देवगन जाने माने अभिनेता अजय देवगन के पिता हैं जिन्होंने कई फिल्मों में स्टंट कोऑर्डिनेटर का काम किया। इस फिल्म की रैशेस यानी रॉ फुटेज को जब प्रेमनाथ ने देखा था तो वो काफ़ी गुस्सा हो गए थे क्योंकि मनोज कुमार ने उनके रोल में कांट छांट कर दी थी। उस वक्त प्रेमनाथ ने कहा था, मेरे सारे सीन कहाँ हैं, फिल्म में सरदार कहाँ चला गया, और ऐसा कहते हुए सोहन लाल को कहा कि मनोज कुमार को कहो मेरा रोल और बढ़ाया जाए। सारी यूनिट ने मनोज कुमार तक ये बात पहुंचा दी। इस पर मनोज कुमार ने प्रेमनाथ से मिलकर कहा, मैंने तुम्हारा रोल अब और ज़्यादा कट कर दिया है और जूनियर आर्टिस्ट के कुछ सीन्स बढ़ा दिए हैं क्योंकि ये फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस पर प्रेमनाथ को बहुत बुरा लगा लेकिन प्रेमनाथ ने जब फिल्म की फुटेज पूरी देखी तो वो मनोज कुमार की तारीफ करते थके नहीं थे। प्रेमनाथ ने कहा था, नए सीन्स को ऐड करके कुछ सीन कट करके इस फिल्म को बहुत ही पावरफुल बनाया है मनोज कुमार ने। हमको मालूम नहीं कि तेरी रामायण में कोई राम है कि नहीं, पर कसम वाह गुरु जी, आज तो तेरी रामायण में हनुमान जरूर आ गया है। और अगली बात फिल्म में शशि कपूर के रोल की है। उनका रोल बड़ा अच्छा था लेकिन वो रोल तो पहले नवीन निश्चल को ऑफर किया गया था लेकिन फिल्म में उन्होंने काम करने से मना कर दिया क्योंकि नवीन निश्चल चाहते थे कि मैं सिर्फ सोलो हीरो की फिल्में ही करूंगा, और इसी के चलते उन्होंने ये फिल्म
छोड़ दी थी। जुबली कुमार राजेंद्र कुमार ने भी दावा किया था कि उन्हें शशि कपूर वाला रोल ऑफर किया गया था। तब राजेंद्र कुमार ने मनोज कुमार को कहा था, इस रोल को थोड़ा और इम्प्रोवाइज करो तो मैं रोल कर लूँगा। लेकिन मनोज कुमार ने इसके बाद राजेंद्र कुमार से बात भी नहीं की। यहाँ इस फिल्म में एक वादा भी था जो मनोज कुमार ने पूरा नहीं किया। मनोज कुमार ने अभिनेता महमूद से वादा किया था कि आपको मैं अपनी फिल्म में लूँगा, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात पर महमूद ने कहा था कि मनोज कुमार मुझसे इनसिक्योर फील करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में नहीं लिया। अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और मौसमी चटर्जी एक सीन में एक साथ भी नज़र आते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन का इन दोनों से एक भी डायलॉग नज़र नहीं आया। मनोज कुमार और अमिताभ बच्चन की इस फिल्म की बात करें तो अमिताभ बच्चन की फिल्में उस वक्त लगातार फ्लॉप हो रही थी, यहाँ तक कि वो मुंबई छोड़कर वापस अपने शहर लौट जाना चाहते थे। पर मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन पर विश्वास जताया और बोले कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम एक दिन बहुत बड़े स्टार बनोगे। और यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि रोटी कपड़ा और मकान अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म के पोस्टर्स की बात करें तो जब यह फिल्म रिलीज़ हुई थी तो अमिताभ बच्चन उस वक्त बड़े स्टार नहीं थे और उनकी छोटी सी फ़ोटो उस पोस्टर में नज़र आई थी। लेकिन जब तकरीबन 10 साल बाद वापस से सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई तो उस वक्त अमिताभ बच्चन की फ़ोटो बड़ी बड़ी पोस्टर्स में नज़र आई थी और बाकी कलाकारों की फ़ोटोज़ छोटी हो गई थी। ये अमिताभ बच्चन का स्टारडम था। मनोज कुमार ने कहा था, इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन सुपर डुपर स्टार बनते चले गए थे। मैंने उन्हें क्रांति के लिए एक रोल ऑफर किया था लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और गोलमोल जवाब के चलते मुझे वो रोल शत्रुघ्न सिन्हा को देना पड़ा। इस फिल्म के लगभग सारे ही गीत बड़े हिट रहे थे जो आज भी यादगार है, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। पहला गीत मैं ना भूलूंगा और दूसरा पंडित जी मेरे मरने के बाद, हाय हाय ये मजबूरी, महंगाई मार गई और नहीं बस और नहीं, और नहीं बस और नहीं। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म ऐसी रही जिसे फिल्म फेयर अवार्ड में कई जगह नॉमिनेशन मिला। महेंद्र कपूर को यह अवार्ड मिला और नहीं बस और नहीं गीत के लिए और ये पार्श्व गायक का अवार्ड था। वहीं प्लेबैक सिंगर के अवार्ड के साथ साथ फिल्म ने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ गीतकार का भी, जिसे मैं ना भूलूंगा गीत के लिए संतोष आनंद को दिया गया और फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मनोज कुमार को मिला। इस तरह इस फिल्म को 3 अवार्ड्स मिले, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट लिरिसिस्ट और बेस्ट प्लेबैक सिंगर। साल 1986 में एक तेलुगु भाषा में फिल्म बनी थी जो कि रोटी कपड़ा और मकान की तेलुगु रीमेक थी, जिसका नाम था जीवाना पोराटम। आखिरी बात इस फिल्म से जुड़ी ये कि ये फिल्म इंदिरा गांधी के एक स्लोगन पर आधारित थी। वो स्लोगन था गरीबी हटाओ और इसी स्लोगन पर बनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान। तो अभी हमने बॉलीवुड टॉकीज में रोटी कपड़ा और मकान की बात की और ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनके बारे में शायद आप जानना चाहते होंगे, उनके किस्से जानना चाहते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी फिल्म के बारे में आप जानना चाहते हैं। और अगर आप किसी अभिनेता के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी बायोग्राफी जानना चाहते हैं, तो हमारा एक और चैनल है जो कि बहुत ही मशहूर चैनल है। सब लोग उसे अच्छी और सच्ची बायोग्राफी वाला चैनल कहते हैं क्योंकि हम ऐसा ही काम करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं तब जाकर एक बायोग्राफी बनाकर हम पेश करते हैं। तो उस चैनल का नाम है बीवी का टीवी और बस बीवी का टीवी ही नाम है। बाद में बॉलीवुड बायोग्राफीज़ आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं आगे लगाकर, लेकिन अगर आपको उस चैनल तक जाना है तो यहाँ लिंक नज़र आ रहा है ऊपर इस जगह, यस यहाँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बीवी का टीवी का लिंक हम देंगे। अब तक तकरीबन 50 बायोग्राफीज़ हमने बनाई है, तो आप देखिए, इंजॉय करिए और इस चैनल के बारे में भी बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आज का एपिसोड और कौन सी फिल्म के बारे में आप आगे जानना चाहते हैं। अब तरुण कहता है बाय बाय और यही कहूँगा, डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।